किसी से पूछो डॉक्टर क्यों बनना है, बोले डॉक्टर बनने में बड़ी कमाई है। 50 लाख रुपए से लेकर के 2-2 करोड़ रुपए तो खाली एडमिशन की फीस दे देते हैं। एमडी करना हो तो 2 करोड़ का लगता है मामला, और उसमें ऑफिशियली तो कुछ होता है 99%, मैं ये बात कह रहा हूं। अब तो उससे भी ज्यादा हो गया, कई जगह 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ भी लेने लग गए। प्रवेश में ही 50 लाख रुपए, 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। डॉक्टर बनना है क्यों, बोले इसमें कमाई बड़ी जोरदार है। और क्या बनना है, पायलट बनना है। और क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। और क्या बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है। मैंने कहा पता है आईएएस आईपीएस की तनख्वाह कितनी है, 70,000-60,000 रुपए तनख्वाह है। 60-70,000, मैं तो सोचता था बड़ा माल कटता है, वहां माल की कटाई के लिए आईएएस बन रहे हैं। मैं आपको, ऐसा नहीं है सब ऐसे हैं, लेकिन आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। फिर मैंने पूछा भाई तुमको पता है इसमें तनख्वाह कितनी मिलती है, इतनी तनख्वाह तो मैं पतंजलि के कर्मचारियों को ही दे देता हूं, सेल्समैन को दे देता हूं। 60-70 हजार की तनख्वाह तो हमारे जो सेल्स में एएसएम होते हैं उन्हीं को दे देते हैं, बल्कि जो सीनियर एएसएम होते हैं उनको 1 लाख के दे देते हैं। तो एएसएम बन फिर आईएएस क्यों बनता है, ना समझे हो, ऊपर की कमाई बहुत है। अब बताओ, माने हमारी दृष्टि आईएएस बनना आईपीएस बनना, विदेशों में अब ये चीजें नहीं रह गई हैं। देखो हम विदेशों को कोसते रहते हैं, अमेरिका को कोसते रहते हैं, ब्रिटेन को कोसते रहते हैं, यूरोप को कोसते रहते हैं, ये पश्चिम की संस्कृति बड़ी खराब है, लेकिन वहां पर ये ऊपर की कमाई का 99% लोग नहीं सोचते, यहां उल्टा हो रखा है। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्यों बनना है भाई, बोले उसमें ना कमाई बहुत है, माल बहुत मिलता है, ऊपर की कमाई बहुत है, एक्स्ट्रा इनकम बहुत है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा के नाम पर यहां टीवी सामान बेचने वाले 20% एक्स्ट्रा, हम ये करते नहीं थे लेकिन हमको भी लिखना पड़ रहा है, फिर 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, क्यों, बोले जी नहीं लिखोगे तो कहेंगे ये तो एक्स्ट्रा दे ही नहीं रहे, वो दे रहे। एक्स्ट्रा की आदत हमको साबुन शैंपू क्रीम तेल पेस्ट से लेकर के और नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार राजनीति में से सब जगह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बहुत पीड़ा होती है। मैंने इसके लिए मैंने 5 साल तक देश में बड़ा आंदोलन किया, 5 साल से अभी थोड़ा बीच बीच में बोलता हूँ, कभी चुप हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे भीतर एक विचार घुसा हुआ है कि इस देश को मुझे अशुभ से बाहर निकालना है।